एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, हमने ऐसे टिंडे ले लिए हैं, छोटे छोटे टिंडे, और इनको धो लिया, अच्छे से धोकर ऐसे छील लिया है। और छील कर हम इनको ना स्लाइस में कट कर लेंगे और फिर कढ़ाई में बनाएंगे टेस्टी से टिंडे। तो इस तरह से हमने सारे टिंडों को छील लिया है, देखिए इस तरह से तैयार हो गए हैं। और इसी बीच हमने छीलने के साथ ही ना इसमें ये मसाला बना के रखा है। ये देखिए, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है, नमक है स्वाद के अनुसार, ये 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून किचन किंग है, और 1/4 टीस्पून इधर जीरा पाउडर है। इन सबको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम टिंडा लेंगे। अब मैं यहाँ कट करने का तरीका आपको बता रही हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, प्लस का निशान बनाते हैं, भरते हैं, तो इसमें हम एक निशान ऐसे बनाएंगे और इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया। इससे क्या होता है, चारों तरफ टिंडे का मसाला अच्छी तरह से चला जाता है। एक बार और करके बताती हूँ। ये देखिए, एक बार इधर लगाएंगे निशान, ये प्लस का पूरा नीचे से ज्वाइन कर रहने देंगे, और एक बार इस साइड लगाएंगे ऑपोजिट। जैसे यहाँ हम प्लस का लगाते थे ना, पूरा यहाँ ना लगा के एक बार ऐसे कट लगाएंगे, एक बार ऐसे कट लगाएंगे। तो सारी टिंडों में कट लगाएंगे, पर पहले मैं आपको मसाला भरना बता देती हूँ। ये हमने नमक स्वाद के अनुसार लेके ना एक बार टेस्ट कर लिया है नमक। अब इसको हम ऐसे अच्छे से भर देंगे सूखे मसाले को। इस तरह से हम ये टिंडों को भर लेंगे, यानी देखिए आप दोनों तरफ से अच्छे से मसाले इसमें कोट हो जाएंगे। ठीक है, ये कट लगाया हमने, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, फिर एक कट यहाँ लगाया, मसाले को लिया अच्छे से और उसको चम्मच की सहायता से इसे भर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हमने लिया, ऐसे भर दिया। इसी तरह से सारे टिंडे हम तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सारे टिंडों को भर लिया है और ये रेडी हैं हम बनाने के लिए। ये हमने तेल गरम होने रख दिया है कढ़ाई में, और अब हम डाल देंगे ये टिंडे जो हमने मसाला भर के रखे हैं। इनको हम ऐसे हिला देंगे ताकि तेल जो है वो मिक्स हो जाए सारे में। इस तरह से चारों तरफ से हिला देंगे। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत कम तेल में है, तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं। और अब हम इसको ना कवर कर देंगे प्लेट से, और इसमें टाइम लगता है बनने में, है ना, आधा घंटा, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए, अब हम ना इनको पलट देंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्राउनिश हो गया है, सारे टिंडों को ऐसे बीच बीच में पलट देंगे और फिर से इनको ढक के रख देंगे। जब तक ये गलते नहीं है ना, तब तक हमको पकाना है। ये देखिए, इस तरह से ये भुनने शुरू हो गए हैं टिंडे, है ना, तो थोड़ा और हम इन्हें भुनेंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल गल गए हैं, और जो थोड़ा सा हमने तेल डाला था ना, वो भी छूट गया। तो बिल्कुल धीमी आंच पे धीरे धीरे पकते रहें। भाई, आप साइड में कुछ और काम कर रहे हैं, आ साइड में टिंडे पकते रहें, तो ये झटपट नहीं, बट स्लो गैस पे। ठीक है, इनको हम निकाल लेते हैं और छौंक की तैयारी करते हैं। ये हमने ना 3 पाव के करीब टिंडे लिए थे, और ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, कितने बढ़िया ये हो गए हैं। ये सेम कढ़ाई में ना, जिसमें हमने टिंडे निकाले हैं, जो ऑयल बचा है उसी में हम डाल रहे हैं ये बारीक कटा हुआ प्याज। 2 बड़े प्याज हमने लिए हैं, जिसको बहुत बारीक चॉप कर लिया चॉपर में। ये प्याज से ना सब ये निकल जाएगा, कोई बहुत जला हुआ नहीं है, ये जो मसाला है ये हट जाएगा। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से भुन गया है। इसमें हमने डाला है नमक, धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और किचन किंग 1/2 टीस्पून, और 1 पिंच ना हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ी सी हल्दी, है ना। बाकी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसको कुछ सेकंड्स के लिए। मसाला जलना नहीं चाहिए, गैस बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, है ना। ये देखिए, तो जो आपको लग रहा था ना इसमें लगा, वो टिंडे का था, जैसे टिंडे नीचे वो हो जाते हैं, पर जला हुआ नहीं था। तो देखो कढ़ाई कितनी साफ लग रही है अब। तो प्याज अच्छे से भुन भी गया है, जला नहीं है। अब हम इसमें टिंडे डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे टिंडे। देखो
और ऑलरेडी गल चुके हैं ये प्याज का, आपको देखने में उतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे जितना खाने में, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी हैं। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, फिर देखिए कि क्या लाजवाब सब्जी बनती है। और दो मिनट के लिए ना हम इसको ढक देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। अब हम टिंडे की करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी मस्त सी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।